Oh my God! अंदर हो क्या? अंधा तो नहीं हूं लेकिन तुम्हारा आशिक जरूर। तुम अभी नाक टूट जाती मेरी, जिनकी तरह कहीं पर भी हाजिर हो जाते हो। अच्छा टूटी तो नहीं है ना नाक? बिल्कुल ठीक। यूनिवर्सिटी है ये। अच्छा चलो चल। उफो, हाथ छोड़ो, कल ना पूरा स्कैंडल बन जाएगा, मशहूर हो जाएंगे हम दोनों। डू आई केयर? बनता रिस्क है। बड़े आशिक बनते हो ना, शादी का क्या हुआ? घर तो बात तक नहीं की शादी की। मैंने तो फैसला कर लिया कि मैंने शादी तुमसे करनी है। तुम अपना बताओ, तुम्हारा क्या फैसला? मम्मा बता रही थी कि मैं तो मशरक़ की लड़की हूँ ना, तो मैं तो अपने पेरेंट्स की पसंद से शादी करूँगी, जहाँ कहेंगे ना वहीं शादी कर लूँगी। ध्यान दे लूँगा मैं तुम्हें, अगर किसी और से शादी करने की बात की थी। अबे भाई क्या हो गया, ये गटारा फिर से स्टार्ट नहीं हो रही क्या? तू बोल तो अपने दोस्त से बात करूं, नई बाइक खड़ी उसके पास। अबे यार कितनी बार तूने बोला है कि इस खटारा से अपनी जान छुड़वा। ये पीछे गाड़ी तेरे ससुर ने दी ना तुझे, इसीलिए इतनी हरी हरी सुधरी, और तू तो आती लगा नाराज हो जाएगी। अपनी अपनी किस्मत है बावे, चल तुझे लिफ्ट दे देता हूँ सामने मैकेनिक है, बाइक छोड़ देना वहां पे। इतने पैसे नहीं है मेरे पास, टिप मैकेनिक पे जाया करो, इसका तो बाप भी स्टार्ट हो गया। हट। चल यार चल, चलता हूं मैं, खुदा हाफिज। हो गए ब्रेक। आप अपनी लाइफ में कभी नहीं हारे ना, हमेशा से हर चीज में जीतते आए हैं। जिंदगी के किसी भी मैदान में मैं ये सोचकर उतरा ही नहीं कि मैं हारूंगा। इतनी सारी खूबियां अगर किसी लड़की में होंगी तो मैं तो क्या, कोई भी लड़की होती वो अपना दिल जरूर हार जाती। सुल्तान मैं आपसे मोहब्बत करती। इस तरह के फजूल फैशन तुम पे सूट नहीं करते। सब लोग मेरे हाथों की बहुत तारीफ करते हैं। तुम्हारे हाथ काफी सख्त हैं। ये जो लिपस्टिक तुमने लगाई है ये बहुत बुरी लग रही है। तुम्हारे नेल्स कुछ ज्यादा ही बड़े नहीं? अब जैसा चाहेंगे मैं उसी रूप में खुद को ढाल लूंगी। तो फिर करो ना कोशिश समझने की, ये क्यों साबित करने पर तुली हो कि तुम टफर हो। मुझे वाकई आपकी समझ नहीं आती सुल्तान, एक पल में कुछ होते हैं। मुझसे सवाल जवाब करने का हक मैंने किसी को नहीं दिया है। और अगले ही पल में कुछ और। मैं ऐसा ही हूँ और ऐसे ही इंसान से इश्क हुआ है तुम्हें। सना गुड्डे दवा खा ले मेरे बच्चे। आज शाबाश। तुम्हें पता है ना, तुम्हें पता है ना इसका इलाज नहीं है मेरा, मेरी बीमारी तुम अच्छी तरह जानते हो। इस दवाओ से मैं नहीं ठीक होने वाले, तुम्हें पता है मुझे ये सब कुछ क्यों होना है। देख सना, देख सना मेरे पास समझ, तेरी मजबूरी समझ। देख तेरा दिमाग का इलाज नहीं है ना मेरे पास, इतनी मुश्किल से तेरी तबीयत ठीक हुई है, फिर से दौरा पड़ गया तो तबीयत खराब हो जाएगी ना बेटी। अम्मा अम्मा मुझसे वादा कर, तुम जाके उससे बात करोगी? सच में मैं वादा करती हूँ तुमसे, मैं ठीक हो जाऊंगी, मुझे ये दवाई वाई की जरूरत नहीं है, ना डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। तुम एक बार जाओ और उससे बात करो, उसको समझाने की कोशिश करो। अम्मा तुम जाओगे ना? बेटा मैं तुझे कैसे समझाऊं, ये इतना आसान नहीं है, वक्त लगेगा।
देख सना, मेरी बात समझ। देख, अगर तू अपनी ऐसी हालत रखेगी और नायला ने तुझे ऐसी हालत में देख लिया ना गुड्डे, तो वो सोच वो ऐसी रोगी लड़की को अपनी बहू बनाएगी? नहीं बनाएगी ना, तुझे सही होना है, है ना, है ना? माँ, मेरे चेहरे पे कितने दाने हो गए, देखो देखो मैं कितनी बीमार लग रही हूँ ना। अम्मा अम्मा, ऐसा कर मुझे ना थोड़े से पैसे दे दे, मैं पार्लर से जाके ना मैं ठीक हो जाऊंगी। इस बार ना वो मुझे तस्लीम कर लेगी ना। हाँ 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 हाँ, ले ले सब, ले ले सब, ले ले, बस तू ठीक हो जा, दवा खा ले मेरा बच्चा, तू ठीक हो जा, है ना? बहुत अच्छी लगी कि मेरी बेटी, ले ले सब सब। जी, फोर्स। मुझे कुछ बहुत खास चाहिए, यू नो समथिंग वेरी यूनिक। किसके लिए आउटफिट लेना चाहते हैं आप? और समवन वेरी स्पेशल। आप इस तरफ आ जाएं, आज सुबह ही न्यू क्लोथिंग रेंज आई है, आई होप आपको कुछ ना कुछ जरूर पसंद आएगा। अच्छा। What a lovely surprise! Oh, hello. क्या हाल है? ठीक ठाक। Girlfriend के साथ आए हो? हम जैसे लोग कहाँ girlfriend afford कर सकते हैं? ये तो आप जैसे लोगों की खुशकिस्मती है। रानिया, तुम कैसी हो? वो हादसा हुआ तुम्हारे साथ, मैं बहुत परेशान हो गया था। Honestly, मैं call messages कर रहा था, क्या हुआ? मैं उसे यहाँ पर इसीलिए लेकर आया हूँ, उस हादसे को भूल सके। और तुम दोबारा उसके बारे में बात कर रहे थे, क्या हो गया था? हाँ, तुम सही कह रहे हो। वैसे मैं अपनी बस परेशानी में पूछ रहा था। अब तुम दोनों ऐसे ही बिजी रहोगे तो मैं जाऊं? अरे नहीं नहीं, वो तो बस हम ऐसे ही बात कर रहे थे। मैं चलता हूं, मुझे जरूरी काम से जाना है, फिर आऊंगा इंशाल्लाह मुलाकात करने। ऑलराइट, ठीक है, नाइस टू मीट यू।
थैंक यू हमजा, तुम्हारी वजह से मेरा सारा डिप्रेशन दूर हो गया। तुमसे कहा था मेरे साथ रहोगी तो बिल्कुल ठीक हो जाओगी। और वैसे भी रानिया, जिंदगी में इंसान के बहुत बड़े बड़े हादसात होते हैं, जरूरी नहीं कि आप उसको दिल से लगा लें। You're right. पर वैसे भी तुम आसपास होते हो ना, तो मुझे कोई टेंशन नहीं होती। इसलिए तो तुमसे कह रहा हूँ that let me take care of you or my life. वही जो हमारे घर वाले कम मिलने का कह रहे हैं, उसका क्या करेंगे? उसका हल मैंने ढूंढ लिया है, पहले मंगनी, फिर निकाह और फिर सीधा अमेरिका। रहने दो, सब मर्द ना पहले बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं पर बाद में मुकर जाते हैं। खैर मुझे अपना तो बताया, मैं तो मरकर भी तुम्हारा, आजमा कर देख लो, दीवाना हूँ तुम्हारा। बस रहने ही दो तुम, सर्टिफाइड देवदास। अच्छा यकीन नहीं आता तो चची से पूछ लो, बचपन से कह रखा है उन्हें मैंने that you're mine। पता है मुझे, दो जमाने की आदत ना बहुत पुरानी है तुम्हारी और ये नहीं जाएगी। हम सबके बच्चे होंगे ना बच्चे शादी के बाद। टाइम क्या हो गया, पता कि लेट हो गया ना मम्मा मुझे कत्ल कर देंगे और अब नहीं छोड़ेंगे। चलो ना जल्दी से चेंज करना, चलो चलो। हमजा कहाँ हो, अभी तक घर क्यों नहीं पहुंचे? शहर के हालात देखे हैं ना, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, फौरन घर पहुंचो। बाय द वे रानिया भी अभी तक घर नहीं पहुंची है, मैं उसकी अम्मी के साथ बैठी हुई हूँ। मेरी बात हुई थी रानिया से, बता रही है कि वो ट्रैफिक जाम में फंसी हुई है। वैसे उसकी यूनिवर्सिटी तो 2 बजे बंद हो जाती है ना। हाँ एक्चुअली दूर बहुत है यहाँ से। अब तुम शहर के हालात तो देख ही रही हो, क्यों नहीं किसी नजदीक यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन करवा दूं? भाभी वो इस यूनिवर्सिटी में पिछले 3 साल से पढ़ रही, नेक्स्ट वीक से उसके एग्जाम्स है, बस यही वीक जाना है उसको। मैं उसकी क्या यूनिवर्सिटी चेंज कराऊं इस वक्त? हाँ अब क्या फायदा, अच्छा है उसकी पढ़ाई खत्म हो जाएगी तो हमजा भी अपने बिजनेस पे ध्यान दे पाएगा, वरना तो पिक एंड ड्रॉप में उसका सारा वक्त गुजर जाता है। एक बात बताऊं तुम्हें, तुमने ना रानिया को फजूल में ही गाड़ी दिलवाई। अब निहाल के आने का टाइम हो गया, मैं चलती हूँ। आपने चाय ही नहीं पी? फिर कभी। ये क्या क्या बना रही है, ये क्या जरूरत थी तुझे किचन में आने की, मुझे जरा ये बता। इतना फेशियल पे मेरा पैसा लगाया, पैसा बर्बाद करेगी क्या, मुंह पर ठीकरे फूटेंगे? अम्मा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नायन आंटी का फोन आया, कह रही थी कि भाई इतने दिनों से तुम्हारे हाथ की बिरयानी नहीं खाई, तो बस चिकन बिरयानी बना डाली मैंने। चिकन? वो कमबख्त, वो 4 किलो गोश्त मैंने दानिश से मंगाया था तेरे अब्बा की यखनी के लिए, उतार रही है उस नायला के कलेजे में। अम्मा क्या हो गया है, अगर चिकन बिरयानी मैंने बना डाली तो वापसी में आते हुए बकरे का गोश्त ले आऊंगी तुम सबके लिए, इसी बहाने उनका दिल भी टटोड़ लूंगी। और फिर तुम ही तो कहती हो पहले जमीन को हमवार करना पड़ता है, फिर उसमें बीज बोना पड़ता है, फिर उसका फल खाना पड़ता है, अब दम निकल जाएगा मेरी बिरयानी का तुम्हारी तरह, ख्याल रखना। माँ को ताने मार रही है, बिला वजह की मुफ्त की खादमा बनी हुई है, बिरयानी का अल्लाह इतनी सारी पूरी बिरयानी इसके कलेजे में उतारने के लिए जा रही है, धनी कौन से ख्वाब देख रही है, ये था नहीं है इसको, हरफों की बनी हुई है वो नायला, इससे भंडिया भुलवाती रहेगी, शादी नहीं करेगी। सलाम अलैकुम।
अस्सलामुअलैकुम मामा। सलाम वालेकुम सलाम। कैसे हैं मेरे बच्चे? तुम दोनों फिर आज साथ आ रहे हो? नहीं चाची, एक साथ तो नहीं आए। वो अपनी गाड़ी में आई है, मैं अपनी गाड़ी में आया हूँ। इनफैक्ट मैं तो उसे गार्ड की तरह एस्कॉर्ट करता हुआ आया। अच्छा, तो फिर रानिया को अलग से कार लेके देने का क्या फायदा हुआ, जब तुमने ही उसके पीछे पीछे उसे पिक एंड ड्रॉप करने जाना है तो? चाची, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या फायदा दो दो गाड़ियाँ रखने का। इनफैक्ट पेट्रोल भी ज्यादा लगता है, वो पहले वाला सिस्टम ठीक था वैसे। बहुत बहुत शरारती होते जा रहे हो हमजा। आप मेरे कान लंबे कर देंगे, कौन लड़की देगा मुझे आपकी? मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। बोलिए। मुझे पता है तुम रानिया का बड़ा ख्याल रखते हो, हमेशा तुमने उसका साथ दिया है, लेकिन जरा एहतियात किया करो। मुझे लगता है कि अब तुम्हें अपने पापा के बिजनेस पे फोकस करना चाहिए। वो तो मैं कर ही रहा हूँ, कुछ हुआ है? नहीं, लेकिन तुम दोनों के हवाले से कहीं कोई बात हो ना जाए इसलिए कह रही हूँ बेटा। चाची, आपसे एक बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ। मुझे रानिया बहुत अच्छी लगती, मैं उससे शादी करना चाहता हूं। आपको कोई एतराज? थैंक यू। सना कहाँ है? बीबी जी, वो साहब जी के कमरे में। अच्छा ठीक है, तुम छोड़ो, मैं देखती हूँ उसे। अरे तुम कहाँ रह गई थी? चाय ठंडी हो रही थी। मैं ऊपर थी, हमजा का कमरा ठीक कर रही थी, सब कुछ बिखरा हुआ था लेकिन अब ठीक कर दिया। बहुत अच्छी हो, बगैर कहीं सारे मेरे काम कर देती हो खुद से। है अच्छा, आओ अंदर आओ, अंदर। अच्छा, मैं भी आपकी बेटी जैसी ही तो हूँ, बल्कि मेरी तो दुआ है कि आपको खिदमत करने वाली बहू मिले। अरे आप रहने दीजिए, मैं करती हूँ। मैं तो अपने बहू बहुत हाई फाई लेकर आऊंगी। वैसे तुम बहुत अच्छी लड़की हो और खाना भी बहुत अच्छा बनाती हो, तुम्हारे इन लॉस की तो ऐश हो जाएंगे। इन लॉस की बात ना क्या करें, मुझे शर्म आती है। How innocent. वैसे तुम जैसी लड़कियां ना आजकल मिलती नहीं है। पता है तुम्हारे लिए ना मेरे जहन में एक बहुत ही अच्छा प्रपोजल है। चक्कर लगाती हूँ तुम्हारे घर पर, मैं बात करूंगी आपस से। मेरी अरूज मेरी जिंदगी है। अरूज, जिंदगी तो है सबकी। अल्लाह ना करे अगर माँ को कुछ हो जाता है तो बच्चे की जिंदगी भी खतरे में है।
ऐसे में तुम किसी एक को बचा सकेंगे तो जाहिर सी बात है आप बच्चे की जान बचाएंगी ना। ताईजन क्या हो गया आपको, कैसी बातें कर रही हैं आप? नहीं सलमान, ठीक कह रहा है सलमान शायस्ता भाभी। अगर सलमान के लिए अरूज अहम है तो फिर अरूज की ही जिंदगी अहम है हमारे लिए। हर वक्त मेरे पीछे पीछे आ जाते दुम बन कर। मामा, अरे भाई इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, तुम्हारे प्यार में खिंचाव आ गया हूं मैं। क्या हो गया तुम्हें, हाथ देखा है मेरा? क्या है तुम्हारे हाथों को, इतने प्यारे तो हैं। बाय द वे ये मैनिक्योर किसे करवाया था? मुझे बहुत हो गया मजाक, तुम्हें पता है ना मामा को यूं हमारा मिलना जुलना पसंद नहीं है, तुम्हें यहां देख लिया तो गुस्सा करेंगे मुझ पर। मेरी जान क्यों परेशान होती है तुम, कुछ नहीं होगा, तुम्हारी माँ को मैं सब कुछ बता कर आ रहा हूँ। तुम्हें तो बहादुर कब से हो गए? अच्छा सारी दुनिया से झूठ बोल सकता हूँ लेकिन तुमसे नहीं। अच्छा तो फिर क्या रिएक्शन दिया मामा ने, थप्पड़ नहीं लगाया तुम्हें? क्या रिएक्शन देंगी, इतना अच्छा दामाद मिल रहा है, इतना हैंडसम और जवान, तो क्या कहेंगी वो। हाँ वैसे भी तुम्हारी अम्मी को मैं बहुत पसंद हूँ। What? क्या देख रही हो इस तरह? Don't you love me? Yes, I do, but अभी के लिए निकली। दानिश आ गया मेरा बच्चा। जी अब्बू ठीक हैं? हाँ ठीक हैं अब्बू, जान के नुकसान से बच गए, बाकी क्या है रोते रहेंगे सारी जिंदगी। अरे वाह दानिश, इतना खूबसूरत जोड़ा है, सना के लिए लाए, खुश हो जाएगी देख के। नहीं नहीं ये तो मेरे दोस्त का है, उसको वापस कर रहे हैं, वो भूल गया था इसलिए ले आया। हैं? तुम्हारे दोस्त का? तुम्हारा दोस्त जनाना कपड़े पहनता है क्या? नहीं नहीं वो दोस्त की वाइफ का है ना, उसकी बीवी का है, वो भूल गया था ऑफिस में, मैंने सोचा मैं ले जाता हूँ, कल कर दूंगा वापस उसे। वाह भाई तुम्हारा दोस्त तो यकीनन कोई तगड़ी असामी है, खूब कमाता होगा तभी तो इतना महंगा जोड़ा ले लिया, वरना आज के दौर में इतना महंगा जोड़ा। तौबा तौबा। बात सुनो, तुम्हें बोनस के पैसे मिल गए? कब मिलेंगे? बोनस नहीं, जुबैद तू बताया बहुत छुट्टी पर है। अरे अल्लाह क्या करूं, 23,000 का बिजली का बिल आया इस दफा, परसों आखिरी तारीख है, दो पंखे री री करके चलते हैं, आधा वक्त लाइट गई रहती है, फिर भी 23,000 कहां से भरेंगे, अच्छा तो बिजली कट जाएगी। मत तुम भी ना खामखा घरेलू परेशानियां मुझे भी टेंशन दे रही हो। तो किससे कहूँ बेटा, तुम ही हो इस घर के कमाने वाले, तुम्हारे अप्पा तो 2 तारीख को जेबें झाड़ के दिखा देते कि कुछ भी नहीं है मेरे पास, अब बोलो क्या करें, भीख मांगे जाके? दोस्त की तरफ जा रहा हूँ। दोस्त की तरफ जा रहा हूँ? सीधी बात है, कल देना है आज ही दे आता हूँ, अमानत है ना उसकी, सना ने देख लिया ना मामा उसकी नीयत खराब होगी। है क्यों, बदनीयत है क्या वो मेरी बच्ची? अम्मा वो तो तुम मुझसे ज्यादा बेहतर जानती हो ना, क्या है वो सही है ना, मैं निकल रहा हूँ, आ जाऊंगा 1-2 घंटे में। खुदा हाफिज। अच्छा सुनो, सना को लेते आना, नाइला के घर है वो। आ लेता आऊंगा।
सायरा जल्दी रखो लाकर यहाँ पर। केक भी लेकर आओ। अच्छा बशीर यहाँ रखो इसे। वाओ बिरयानी। बैठो तो सही बेटा। पापा कहाँ? वो बस आ रहे हैं, बुलाया मैंने उन्हें। ओह थैंक यू। आप लेना? नहीं तुम लो पहले। बहुत ही अच्छी बनी। अच्छा तुमने बनाई? मम्मी इसे हम अपने घर में शेफ ना रखें? कैसी बातें कर रहे हो? कोई अपनों को भी मुलाजिम रखता है क्या? ये तो उसकी मोहब्बत है कि आए दिन कुछ ना कुछ बनाकर ले आती है। मैं आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? खाना तो जरूर रानिया का फोन होगा। तंग आ गई हूँ मैं इस लड़की से। हर वक्त मैसेजेस और कॉल्स करके ना इसे उलझाए रखती है। समझ में नहीं आता क्या करूं मैं इस लड़के का। मेरा बस चले ना रानी, तो हमेशा तुम्हें अपने सामने बिठा कर देखता और ताई अम्मी का जूता ठग से तुम्हारे सर पे लगे तुम्हारी आंख खुल जाए। हंस लो, अपना टाइम भी आएगा, फिर देखता हूँ कि कितना हंसती हो तुम। खुदा करे कि ओह माय गॉड हमजा, कोई तुम्हें देखकर नहीं कह सकता कि तुमने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में डिग्री ली है। ऐसे लगता है गालिब पर पीएचडी की है। हर वक्त फजूल पालतू पोइट्री। मेरी जान शायर बनाया आप, वरना आदमी थे हम भी बड़े काम के। You know what? I love your smile. बिल्कुल, वो जादुई हंसी, सरोसकत, गेसुए लंबे, whatever जो भी है। क्या कहते हैं आगे? वो क्या पोइट्री है? मेरी जान दुनिया क्या कह रही है तुम उसको जाने दो। तुम प्लीज मुझ पर फोकस करो कि मैं क्या कह रहा हूँ। हमजा तुम पागल कर दोगे मुझे आई स्वेयर। रानिया वो इश्क क्या जो मोहब्बत करने वालों के हवा सलामत रखे। जाकर फोन ताई अम्मी को देती हूँ। तकल्लुफ कर दिया आपने। कोई तकल्लुफ नहीं, रानिया का तोहफा देने आया था। वो एक्चुअली मैं इस्लामाबाद में था जब उसकी बर्थडे थी। नेवर माइंड, तुम चाय लो, कुछ खा भी तो लो। क्या है नवाब ने मना तो नहीं किया कि मेरे घर से कुछ खाना नहीं? अब नहीं नहीं नहीं, तो बस चाय काफी है। रानिया अपने कमरे में है क्या? मैं उसे भिजवा दी। कनीज कनीज, रानिया बीबी को बुलाओ। Thank you.
थैंक यू। अरे वाह, आज तो बड़े बड़े लोग आए हैं हमारे घर। मॉल से क्यों इतनी जल्दी भाग गए? ऐसी बात भी नहीं है, तुम तो मत मजाक उड़ाए करो ना, मेरी मजबूरी का। अच्छा भाई, आई एम सॉरी, हमें पता है तुम अपनी जॉब को लेके कितने पोजेसिव हो। नेवर माइंड, ये हैप्पी बिलेटेड बर्थडे। थैंक यू सो मच। देखो तो क्या है इसमें, ये वाह, ये तो बहुत अच्छा कलर है, देखती हूँ। अरे वाह, चॉइस तो तुम्हारी बहुत अच्छी है। हाँ, चॉइस तो वाकई मेरी बहुत अमेजिंग है। और उस हमजा को देखो, कैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड की स्टोरी बना रहा था। तुम मॉल यही लेने आए थे ना, अब आएगा ना तो उसे दिखाऊंगी। कितना अच्छा गिफ्ट दिया तुमने मुझे बर्थडे का, थैंक यू। अरे चाय ठंडी होगी तुम्हारी, ये भी लो, खा लो। थैंक यू। और बताओ, सना, सारा यहाँ रखो सामान। सना, मैं तुम्हारे लिए लेकर आई थी। ये तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन नहीं, इस बार मैं कुछ भी नहीं लूंगी। आप पहले ही मुझे इतने सारे सामान दे चुके हैं, अब नहीं ले सकती मैं, आप बस करते हैं। अच्छा, तो तुम भी तो कितना करती हो मेरे लिए, तो बंद कर दो करना। वो सब तो ठीक है, लेकिन अब अम्मा को क्या कहूंगी, तो गुस्सा हो जाएंगी वो। उनकी टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी अम्मा से बात कर लूंगी। अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली ऑफिस से थके हुए आए ना, इसलिए सीधे कमरे में चले गए। कोई बात नहीं, तुम बैठो, मैं जरा निहाल को देख लूं। हाँ दानिश। वो मैं हमजा के पास ही हूँ, तो तुम तैयार है ना, बस थोड़ी देर में निकलेंगे, ठीक है? अरे भाई मैं अभी आई हूँ थोड़ी देर पहले, तुम चले जाओ। हेलो हेलो, इसका क्या करूँ? सायरा बच, ये ना अपने सामान के साथ रखो, फिर मैं ले जाऊंगी। और सुनो, ये ना चार्ज पे भी लगा देना, लाइट नहीं आई ना हमारे घर में अभी। वैसे कमाल है, तेरे नखरे गर्लफ्रेंड से ज्यादा है, क्यों? बेटा मेरी तरह मेहनत करनी पड़ेगी ना, तब पता लगेगा। इंसान की कोई लाइफ ही नहीं रहती है सिवाय इसके कि सारा दिन यस बॉस करते रहो। किसने कहा है तुझे इतनी मेहनत करने के लिए? यार तू तो ऑफिसेज है मेरे, कहीं भी तू काम कर सकता है। यार मेरी अपनी रिजर्वेशन है, नहीं करना चाहता मैं तुम्हारे ऑफिस में काम। सुनो, बिजनेस में बड़ी ऊंच नीच हो जाती है, कल को हमारे बीच में बात खराब हो जाए, मैं तेरी शक्ल भी ना देखूं, फिर फायदा? Come on यार, why do you think so negative? भाई आप नहीं समझेंगे, क्योंकि आप गोल्डन स्पून मुंह में लेकर पैदा हुए हैं। आपको क्या पता मेरे एहसासों का, जज्बातों का? That's what you think. जितनी मेहनत मैं करता हूँ शायद ही कोई करता। हाँ तो करो भाई मेहनत, मुझे मत समझाओ कि ना मैं तुम्हारी तरह समझदार हूँ पर ना ही मालदार। Come on यार, फिर वही फजूल बात है। फजूल ही सही, बात तो सच्ची है ना। सिगरेट भी है? पहले का पी सिगरेट,
You know I don't smoke. आ जाओ। अरे तुम? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कि देखो जरा दानिश के काम आया था और बताया तक नहीं कि तुम भी साथ आई हो। नहीं बताया उसने? अच्छा, मगर ऐसे कैसे हो सकता है? हमजा ने मुझे फोन पर कहा कि इतने दिनों से तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाया, तो मैं उसके लिए अच्छी सी बिरयानी बना कर ले आई। तुम दोनों की तो फोन पर बात हो रही होगी ना? उसने नहीं बताया? नहीं, और वैसे भी उसके सामने जब खाना हो तो उसे कुछ कहाँ याद रहता है पेटू कहीं का। अब तुम्हें ही देखो, खाना पकाने पर लगा दिया। बस कर दो, ज्यादा जेलिस ना हो, ये हमारा पर्सनल मैटर है। हमें माफ कर दे, आइंदा आप दोनों के मैटर में कोई नहीं बोलेगा। काफी फ्रेश लग रही हो, लग रहा है कि हादसा भूल गई हो। काफी जल्दी नहीं भूल गई? छोड़ो इस टॉपिक को, कोई और बात करते हैं। वैसे भी हमजा ना होता तो पता नहीं क्या होता मेरे साथ, मैं तो डिप्रेशन में चली गई थी। जो भी है, तुम्हारी जगह अगर मैं होती ना, मैं तो कभी नहीं भूल पाती।